तो फाइनली गेम लूप का न्यू अपडेट आ चुका है। आज मैं आपको इस गेम लूप के न्यू अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इसके लैग को कम्प्लीटली खत्म कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको गेम लूप की पेड ट्वीक्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि एक्सट्रैक्ट करी गई है एक पेड टूल से, जिसकी मंथली फीस $25 है। तो मैंने इस टूल के अंदर से जो वैल्यूज थी उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आज मैं आपको इन ट्वीक्स को फ्रीली प्रोवाइड करने वाला हूं। इन ट्वीक्स को अप्लाई करने के बाद आप अपने गेम लूप पर जो भी गेम खेलेंगे आपको उसमें कोई भी लैग नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके को लाइट वेट बना देगी। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से आपको ये ट्विक्स का फोल्डर डाउनलोड करना है। ये ट्विक्स प्रीमियम ट्विक्स है, मतलब के एंटी रीसेट है। ये ट्विक्स रीसेट हो जाती है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। तो जब भी आपका गेम लैग करे आपने इस वीडियो के जितने भी स्टेप्स हैं उनको अगेन एंड अगेन फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर के ऊपर क्लिक करना है। आपने इसको ओपन करना है तो ये ट्विक्स आपको मिलेगी। अभी मैं इनका बारी बारी यूज बताऊंगा। सबसे पहले हम अपना एक रीस्टोर पॉइंट बनाएंगे, हालांकि मैं इसको अपने सिस्टम पे अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन तब भी आपको रिस्टोर पॉइंट बनाना है। अगर कोई सेटिंग गलत हो जाती है तो आपके पास एक बैकअप बचेगा। आपने इसको ओपन करना है, इधर से आपने अननेसेसरी प्रोग्राम को अनचेक करना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फिल्मोरा को भी अनचेक किया हुआ है, तो इस तरीके से टिक होगा अनचेक कर लेना। स्टीम को भी जो आपको नहीं चाहिए उसको आप अनचेक कर सकते हो। नंबर 3 पर अनइंस्टॉल ऐप यू डोंट नीड, आपने इसको ओपन करना है। इधर से आपने अपने विंडोज के अंदर अननेसेसरी प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करना है। जस्ट अनइंस्टॉल पे क्लिक करें और उसको अनइंस्टॉल कर दें। उसके बाद यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ एंड देन यहाँ पे पैच फोल्डर के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर आपको DNS मिल जाएंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉन्च करें, जस्ट एंटर कर दें, ये अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से आपने इन सभी को अप्लाई कर देना है। एंड यहाँ पर NVIDIA का फोल्डर है, इसके अंदर आपको NVIDIA की ट्विक्स देखने के लिए मिलेंगी। तो ये NVIDIA यूजर ओनली अप्लाई करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस फाइल को इस तरीके से लाके इसके अंदर पेस्ट कर देना है, उसके बाद अप्लाई कर देना। मैं नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास NVIDIA का कार्ड नहीं है। अब हमारा है DNS जम्पर, ये बैटल रॉयल गेम्स जो खेलते हैं उनके लिए है। फ्लश DNS के ऊपर क्लिक करना है, फास्टेस्ट DNS के ऊपर आपको जाना है एंड इधर से आपने गूगल DNS को राइट क्लिक करके अप्लाई करना है। उसके बाद कट करना है, ये आपका DNS अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई DNS के ऊपर क्लिक करें, कट कर दें। यहाँ पर AMD का फोल्डर है, मतलब कि AMD की ट्विक्स हैं, इनको आपने AMD पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अपने अपनी रैम की ट्विक्स सेलेक्ट करनी है, जोन सी रैम आप यूज करें वो आप सेलेक्ट कीजिए। ये सब करने के बाद आपको अपने सिस्टम में इन 3 प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना है। आफ्टर इंस्टॉलेशन मेमोरी रीडायरेक्ट को ओपन करना है एंड क्लीन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड ये जब भी गेम खेलना है आपको तब करना है, नॉर्मली आपको अब इन स्टेप्स को नहीं करना। ये आपके बैकग्राउंड में चलेगा, तो जब भी आपका थोड़ा बहुत ये मेमोरी बढ़ना शुरू हो जाए तो क्लीन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे है वॉइस गेम बूस्टर, इसको भी आपने लॉन्च करना है। इस टूल का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्टिमाइज्ड ऑल, बस यही आपको इस टूल के ऊपर करना है एंड इसको कट कर देना है। एंड हमारा लास्ट टूल है वो है टाइमर रेजोल्यूशन, इसको आपने ओपन करना है। ये टेस्टेड टूल है लैग फिक्स में, तो डिफॉल्ट में मुझे ये वाला देख सकते हैं करंट रेजोल्यूशन मिल रही थी। जैसे मैं मैक्सिमम पे करूंगा तो 0.50 पे मिलीसेकंड में मिल जाएंगे मुझे और ये मेरे बैकग्राउंड में चलेगा। ये सारी सेटिंग का लेने के बाद आप अपने गेम लूप के ऊपर जो भी गेम खेलते हैं उसको आपने ओपन कर लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन ट्विक्स के बेस्ट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विदाउट सेटिंग अपने सिस्टम पे एक गेम प्ले रिकॉर्ड करना है एंड अब अप्लाई करने के बाद जब आप खेलेंगे तो आपको खुद फर्क पता चल जाएगा कि ये ट्विक्स प्रीमियम क्यों है। तो ये थी लैग फिक्स की एक शॉर्ट वीडियो, जिसपे कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे लैग फिक्स कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।